नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ओम ट्रिक्स में। दोस्तों एक और अच्छा सा वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं कि क्लास टेंथ में जीवन परिचय कैसे लिखे। दोस्तों बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि क्लास टेंथ में जीवन परिचय लिखने का तरीका बताओ, तो मैं उसी के अनुसार क्लास टेंथ वालों के लिए जीवन परिचय लिखने का तरीका लेकर के आ गया हूं। एकदम सेपरेट तरीका बताऊंगा और जितना बताऊंगा उतना सही रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको जितना भी जीवन परिचय बताऊंगा आपको उतना जीवन परिचय जाकर के अपनी कॉपी में लिख देना है और पा लेना है अपने 6 नंबर। ठीक है, 3+3=6 नंबर, 2 आपके आने हैं। ठीक है, कवियों के में से, कवियों लेखकों में से तो एक आपका है 3 नंबर का, तो ये 3 नंबर आपको पा लेना है अच्छे से। और जैसे बताऊंगा पूरा अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए आए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ की जबरदस्त तैयारी होती है हमेशा 24 घंटे नॉन स्टॉप यूपी बोर्ड 2019 के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखे। दोस्तों आपकी जो बोल्ड कॉपी होगी, ठीक है, जो आपको कॉपी लिखने के लिए दी जाएगी वो लगभग लगभग सेम इसी तरह की होगी। ठीक है, सेम इसी तरह की होगी, लगभग थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है, ये थोड़ी चौड़ी कम है, ये स्कूल की कॉपी है। ठीक है, वो थोड़ी इतनी और चौड़ी होगी, तो मान लो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो आप इसी तरह लिखना शुरू करोगे, एक स्कूल की कॉपी है ये। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लाया हूं। ठीक है, तो इसी को आप फिर क्या करोगे, एक स्केल उठाओगे अपनी, एक स्केल उठाओगे और स्केल उठाने के बाद में ऐसे इधर रखोगे और रखने के बाद में ब्लैक स्केच उठाओगे। क्या उठाओगे, ब्लैक स्केच, और यहां से लाइन खींचोगे, यहां से यहां तक की। देख लो मैंने कहां तक खींची है, यहां से लेकर के यहां तक की लाइन खींची है। फिर यही स्केल उठा करके दूसरे पन्ने की तरफ रखोगे और यहां से लाइन खींचोगे, यहां से लेकर के यहां तक की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, पहले लाइन खींचना है। ठीक है, ये आप ऊपर अपनी कॉपी में मत लिखना, ये मैंने आपको लिखने के लिए बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूं वीडियो में। ठीक है, टेंथ जीवन परिचय कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, तो आप सबसे पहले डालोगे, ठीक है, सबसे पहले डालोगे आप प्रश्न, यहां पे लिखोगे प्रश्न, ठीक है, प्रश्न का। मैं आपको एक ऐसे समझाने के लिए दे रहा हूं जो भी होगा वहां पे। ठीक है, प्रश्न का पहला नंबर हमको करना है, हमको अटेंड करना, प्रश्न का पहला नंबर एक करना है हमको। ठीक है, फिर इतना लिखने के बाद में इसको अच्छी अच्छी राइटिंग इससे स्केल स्केल से लगा के ऐसे ऐसे सजा देना। ठीक है, फिर इतना इतना करने के बाद में प्रश्न का पहला नंबर लिखने के बाद में आप थोड़ी लाइन नीचे लेके आना और यहां से लिख देना आचार्य। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम क्लास टेंथ की कॉपी में आपको लिखना है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख देना जाकर के कॉपी में ये। ठीक है, ठीक है, इतना करना आप, यहां तक की लिखोगे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इतना करने के बाद में, ठीक है, इतना करने के बाद में इधर ऐसे स्टार बनाओगे आप और इधर लिखोगे क्या, जीवन, ऐसे जीवन परिचय। ठीक है, ऐसे इतना करना, ऐसे ऐसे करना और ऐसे लाइन बना देना, बस दोस्तों यहां तक कि आपका प्रश्न वाला काम हो गया है। ठीक है, अब आप इतना करने के बाद में एक अच्छा सा नीला पेन उठाएंगे। ठीक है, ये मेरा डॉट है, आप जेल उठाना। ठीक है,
जैसा आपकी राइटिंग अच्छी बनती हो जेल या डॉट आप ठीक है उसी के अनुसार आप नीला पेन उठाना। नीला पेन उठाने के बाद ये जहां से लगाया है हमने इसी के इधर से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है हिंदी, यहां पे राइटिंग सही नहीं बन रही है मेरी, उसके लिए माफी चाहता हूं। हिंदी के ठीक है प्रतिभा संपन्न, जैसे कि मेरी राइटिंग डॉट से ठीक ठाक बनती है थोड़ी बहुत है तो मैं डॉट से ही लिखता हूं। प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य, ठीक है यहां तक ही हुआ। फिर आप इसी के नीचे नीचे आप लिखते चले जाओगे मूर्धन्य समीक्षक, मूर्धन्य समीक्षक एवं युग, ऐसे एरो लगा करके प्रवर्तक, ऐसे ऐसे आप लिखते चले जाओगे कॉपी में। ठीक है इसको देखो और ऐसे ही लिखना, पूरा वीडियो देखते रहना साहित्यकार कि कितना मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय लिखने के लिए आपको ज्यादा याद ना करना पड़े। साहित्यकार आचार्य, जैसे मैं लिख रहा हूं हल्का हल्का सेम लिख रहा है आचार्य। अब यहां से मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ठीक है ये दो लाइन भरने के बाद में, ठीक है ये दो लाइन आप करने के बाद में क्या करना, इनके नीचे नीचे जहां जगह मिलेगी वहां केवल सेंटेंसेस लिखना ताकि कॉपी आपकी ज्यादा भरे। ठीक है समझ गए होंगे, अभी लिखना मैं आपको बताता ही हूं कि कैसे। आचार्य रामचंद्र लिखा मैंने, अब शुक्ल मैं यहां नहीं लिखूंगा, मैं शुक्ल यहां लिखूंगा। ठीक है चले रामचंद्र शुक्ल का, अब का मैं इसके नीचे लिखूंगा। ठीक है का जन्म मैं यहां लिखूंगा, का जन्म सन मैं यहां लिखूंगा और सन के साथ लगाना जरूरी होता है इसलिए मैं यहां लिख दूंगा 1884 ईस्वी। ठीक है ईस्वी में यहां लिखूंगा मैं बस्ती, यहां तक ही ऐसे ऐसे आपको लिखते चले आना। ठीक है जैसे मैंने आपको बता रहा हूं सेम इसी तरह लिख के आपको चले आना। बस्ती जिले, ठीक है सेम इसी तरह बस्ती जिले के आगोना, कहां आगोना नामक ग्राम में हुआ था, आगोना नामक ग्राम, जैसे मैं लिख रहा हूं ग्राम के एक संभ्रांत परिवार, जैसे मैं लिख रहा हूं सेम वैसे ही आपको कॉपी में जगह छोड़कर, मैं देखो कितनी जगह छोड़ रहा हूं यहां के बीच में जगह नहीं, यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं यहां नहीं। और इसके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है कि दो ऊपर की दो लाइन भर लो, ठीक है ऊपर की दो लाइन भर लो, दो लाइन भरने के बाद में नीचे जगह बस्ती चली जाएगी आपको। ठीक है उसी जगह जहां बस्ती चली जाती है नीचे नीचे सेम उसी तरह लिखते जाओ, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। परिवार में हुआ था, ठीक है परिवार में हुआ था, अब इनके माता पिता का नाम लिखोगे, एकदम शॉर्ट आपको बताऊंगा कि जीवन परिचय कितना लिखना चाहिए आपको। इतना लिखा आपने, अब थोड़ी सी लाइन में यहां से छोड़ देता हूं, मैं कॉपी में नहीं लिखूंगा यहां तक। ठीक है अब ऐसे लगा करके इनके इनके पिता, इनके पिता चंद्रबली, अब मैं चंद्रबली यहां लिखूंगा। ठीक है चंद्र इनके पिता चंद्रबली शुक्ल, यहां पर राइटिंग अच्छी नहीं बन रही इसलिए माफी चाहता हूं, बहुत जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूं मिर्जापुर। ठीक है सेम इसी तरह मिर्जापुर में कानून गो थे, क्या थे कानून गो, मैं जैसे बता रहा हूं सेम इसी तरह दिमाग में फीड करते चलो, सब एक एक चीज याद ना हो जाए तो बताना आप मेरे को। ठीक है कानून को ठीक सेम इसी तरह कॉपी लिखोगे एकदम जबरदस्त नंबर, तीन में तीन देगा जगह छोड़ छोड़ करके। अब इतनी सी बात मैंने केवल आपको देख लो कितनी लाइन में लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 कॉप, अगर सही समझोगे तो ये जो जितनी लाइन लिखी है केवल दो लाइन का है। ठीक है बोल्ड के अनुसार, पर मैं दो लाइन में नहीं लिखना चाहता, मेरे को नहीं लिखना दो लाइन में क्योंकि हमको राइटिंग सही करनी है और जगह देख के लिखनी है कोई गलत ना हो जाए। और अगर आपसे कोई भी एक अक्षर गलत हुआ जा रहा है
ठीक है। जैसे आपने थे यहां पे सही नहीं लिखा, मान लो यहां पे आपने थे सही नहीं लिखा, तो आप इसको ऐसे वैसे गोच मत देना, केवल ऐसे एक लाइन लिख करके काट देना, लाइंस ऐसे इधर कर देना और काट देना, ठीक है। अब यहां पे मैं आगे इसका जीवन परिचय लिखता हूं, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैंने पूरा लिख डाला है, यहां तक कि अभी खत्म नहीं हुआ है ये जीवन परिचय, ठीक है। यहां तक कि लिखने के बाद में, ठीक है, यहां तक कि आप इतना जीवन परिचय लिखने के बाद में, यहां से यहां तक कि यहां तक, जैसे आपका एक पन्ना भर जाए, आप पन्ना पलट लो, ठीक है। जैसे पन्ना पलट रहा हूं, पन्ना पलट लो, पन्ना पलटने के बाद में आप फिर स्केल उठाओ, आप फिर ब्लैक स्केच उठाओ और इधर भी सेम वैसे लाइन खींचो जैसे वहां पे खींची गई थी, ठीक है। यहां से यहां तक की और इधर से लेकर के इधर तक की ऐसे लाइन खींचो और उसी के आगे लिखना स्टार्ट कर दो, जहां पे हमने छोड़ा था, प्रतिभा संपन्न हो सके उसके आगे हम लिखते हैं और आपको बताते हैं कहां तक कि आपको लिखना है। और सेम इसी तरह आप जितना मैं आपको इस कॉपी में लिख करके दिखाऊंगा बस उतना ही जीवन परिचय आपको लिख के जाकर के वहां पे सेम वही तरह रट करके आपको लिख देना है जाकर के यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। जैसा मैं लिखता चला जा रहा हूं सेम आपको यहाँ इसी तरह अपनी कॉपी में लिखता है, ठीक है। और मैं आपको जितना इस जीवन परिचय में बताऊंगा सेम, अगर जीवन परिचय अगर आपका आपकी कॉपी में आ जाता है, आपका आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो सेम यही जीवन परिचय मैं आपको पीडीएफ दिए दे रहा हूं, जाकर के डाउनलोड कर लो और सभी लोग देख लो। अभी यहाँ इसके आगे और थोड़ा बचा है, मैं आपको पूरा लिख करके दिखाता हूँ, सेम इसी तरह आपको आपकी कॉपी में लिख डालना है। राइटिंग यहाँ पे थोड़ी खराब है, आपको राइटिंग का विशेष ध्यान देना है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहां तक कि हमने जीवन परिचय आपका लिख करके कंप्लीट कर दिया है, इसका पीडीएफ भी आपका दिया गया है। साथ ही साथ अब हम रचनाएं लिखेंगे, ठीक है। कैसे रचनाएं लिखेंगे, कितनी रचनाएं लिखेंगे, ये यहां पे देख लो। इतना लिखने के बाद में आप हेडिंग डालेंगे इधर ऐसे साइड में, ऐसे करके, ऐसे ऐसे बना करके रचनाएं, ठीक है। ऐसे हेडिंग डालने के बाद ऐसे इतना लिखने के बाद रचनाएं लिखोगे और रचनाएं लिखने के बाद आप यहाँ पे एक एक करके ऐसा नहीं लिखोगे कि निबंध अलग लिखो, आलोचना अलग लिखो, इतिहास अलग लिखो। रचनाएं आप ऐसे एरो लगा करके आप का ऐसे का बना करके ऐसे ऐसे ब्रैकेट में लगा करके सबसे अच्छी और सबसे महान रचना चिंतामणि का नाम लिखोगे, ठीक है। चिंतामणि हो गई हमारी, ठीक है, चिंतामणि हो गई। फिर उसके बाद तथा लगा देना बीच में, उसके बाद लिखना विचार विधि, ठीक है, विचार विधि, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आप थोड़ा और नीचे लिख के आना, यहां पे खा डाल देना, ठीक है। खा डालने के बाद में यहां लिखोगे हिंदी ऐसे साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी महान रचनाएं हैं दोस्तों, इसलिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं ताकि एकदम हाईलाइट हो, ठीक है। फिर आप यहां पे, फिर यहां पे लिखोगे गा, ठीक है, गा में आप लिख देना जायसी ग्रंथावली, ठीक है, जायसी ग्रंथावली ऐसे लगा करके, फिर कॉमा लगा करके जायसी ग्रंथावली के बाद तुलसी, तुलसी ऐसे एरो लगा देना, तुलसी ग्रंथावली, ठीक है। फिर बस, ठीक है, एक और लिख दो कॉमा लगा करके ऐसे काशी नगरी, फिर इधर ले आना थोड़ा सा ऐसे एरो लगा करके प्रचारणी। मैं आपको रचना लिख के क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आपको सेम इसी तरह रचना आपकी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। प्रचारणी पत्रिका, बस पत्रिका, ठीक है, पत्रिका आदि है, बस यहां तक कि आपका ये जीवन परिचय लिख करके एकदम कंप्लीट हो गया है। रचनाएं भी लिख दी हैं, जीवन परिचय भी लिख दिया। फिर आप एक स्केल उठाओगे और ऐसे रखोगे अपनी कॉपी पे, और यहाँ पे ब्लैक स्केच उठाने के साथ साथ ऐसे लाइन खींच के
ऐसे इसको बंद कर दोगे दोस्तों, क्योंकि आपका ये जो जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये आपकी रचनाएं लिख दी गई हैं अच्छी अच्छी जो ऊपर इनकी मेन है, ठीक है। और इनका जीवन परिचय देखो कितने पन्ने में आया है, एक आधा ये ले लिया पन्ना, ये पूरा पन्ना ले लिया, ठीक है, जो मैंने शॉर्ट करके लिखा था, और ये वाला पूरा पन्ना ले लिया दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको कितना जीवन परिचय लिखना है। ये था शॉर्ट जीवन परिचय जो मैंने खुद लिखा है अपने आपको समझाने के लिए कि आपको कितना लिखना है जीवन परिचय। इसी तरह के और जीवन परिचय आपको कॉपी में कैसे लिखने हैं उनको पाने के लिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना जो दसवीं में जीवन परिचय लिखना नहीं जानते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि हमको जीवन परिचय कितना लिखना चाहिए। अब आपको दोबारा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। आप सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे डालोगे प्रश्न संख्या का नंबर एक, बीच में लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर इधर हेडिंग डालोगे जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट कर दोगे। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानून गो थे। देखो कितनी सेंटेंस दूर दूर है, ये चीज यहाँ पे देखने वाली होती, सेंटेंस कितनी दूर दूर है। एग्जामिनर अगर ऐसे ऐसे उंगली रख रख के पढ़ेगा ना तो उसको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश कर रहा, मैंने यहाँ पे थोड़ी जल्दी जल्दी में लिखा इसलिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बन पाई है। आप लिखना इसी तरह और राइटिंग का विशेष ध्यान देना और दूर दूर लिखना जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके बताया। देखो शब्द कितनी दूर दूर है, चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर, ताकि एक उंगली थोड़ी देर उठे तो थोड़ी दूर उंगली के जब उठे तो बीच में गैप बने। बस आपका इसी तरह जीवन परिचय लिखना है। तो इस जीवन परिचय का पीडीएफ मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, जा करके डाउनलोड कर लो और याद कर लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय दोस्तों, ठीक है। एक ये पन्ने का पीडीएफ हो गया, एक इस वाले पन्ने का पीडीएफ हो गया, ठीक है, और एक इस वाले पन्ने का पीडीएफ हो गया। तीनों पीडीएफ आपको एक ही में करके मिल जाएंगे मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद है आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। किसी अन्य लेखक का अगर आपको जीवन परिचय इसी तरह लिख करके दिखाना होगा तो आप एक वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी लिख करके आपको समझा दूंगा। और कुछ भी लिखने का तरीका अगर आपको ना आता हो तो वीडियो पे इस वाले कमेंट करो कि मुझे ये नहीं आता है, मुझको ये बताओ, मैं जरूर से जरूर बताऊंगा उसको। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। दोस्तों वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, बहुत मेहनत लग रही है आपको बताने में। अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, क्लास टेंथ वालों को, कि ओम ट्रिक्स पर जबरदस्त तैयारी चलती है, जबरदस्त कॉपी लिखने का तरीका बताया जाता है ओम ट्रिक्स पर। और उनको कह देना सब्सक्राइब कर लो चैनल को आने वाले यूपी बोर्ड 2019 की तैयारी के लिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब नाउ ओम ट्रिक्स चैनल।